स्वागत है आपका आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले सभी टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन प्लेयरों की लिस्ट जो है वो सामने रख दी है, वो बीसीसीआई को जो है वो सौंप दी है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें कि 8 टीमों ने टोटल 61 खिलाड़ियों को जो है वो किया है रिलीज। इस वीडियो में दोस्तों हम 8 टीमों की बात करने वाले हैं, सभी टीमों के कन्फर्म रिलीज प्लेयरों के बारे में आपको बताने वाले हैं और कौन कौन से सरप्राइज रिलीज यहाँ पर हुए हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, तो अगर आप भी आईपीएल के फैन कर रहे हैं, आईपीएल 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं आईपीएल 2020 में, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट ईयर की चैंपियन मुंबई इंडियंस के बारे में। तो मुंबई इंडियंस ने टोटल 6 खिलाड़ियों को जो है वो रिलीज किया है, बड़े बड़े नाम यहां पर शामिल है 6 खिलाड़ी की अगर बात करें तो। सबसे पहले खिलाड़ी हैं दोस्तों युवराज सिंह, जो कि कंफर्म थे क्योंकि ये संन्यास ले चुके हैं इसीलिए इन्हें रिलीज किया गया है। दूसरे खिलाड़ी दोस्तों एविल लुइस, कल ही हमने आपको बता दिया था कि एविल लुइस जो है वो रिलीज होने वाले हैं, तो उनको यहां पर रिलीज किया गया है। इनके बाद दोस्तों बेन कटिंग, जिनका भी तय था रिलीज होना, वो यहां पर रिलीज हुए हैं। बृंदर सरन को यहां पर रिलीज किया गया है क्योंकि धवल कुलकर्णी आए हैं। जेसन बैरनडॉफ यहां पर रिलीज हुए हैं, हमने आपको बताया था कि जेसन बैरनडॉफ जो है वो रिलीज होने वाले हैं। और एंड में दोस्तों पंकज जायसवाल को भी जो है वो रिलीज किया गया है। तो ये 6 नाम जो है वो रिलीज किए मुंबई इंडियंस ने। दोस्तों सरप्राइज की अगर बात करें तो रसिक सलाम को रिटेन किया गया है, जिनके ऊपर बैन लगा हुआ है। आपको बता दें 2 साल का बैन रसिक सलाम के ऊपर लगा हुआ है, इसके बावजूद उनको जो है रिटेन किया है मुंबई इंडियंस की टीम ने, तो ये काफी ज्यादा जो है वो सरप्राइज करता है। तो दोस्तों ये बात हुई मुंबई इंडियंस की। अब बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो केकेआर की टीम ने दोस्तों 9 खिलाड़ियों को जो है वो रिलीज किया है, जिनमें से 2 सरप्राइज रिलीज यहां पर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सभी खिलाड़ियों की। तो सबसे पहला नाम है रॉबिन उथप्पा का, कंफर्म थे रिलीज होंगे, उनको रिलीज कर दिया गया है। दूसरे खिलाड़ी दोस्तों कार्लोस ब्रैथवेट, जिनको रिलीज किया गया है। तीसरे खिलाड़ी दोस्तों केसी करियप्पा, हमने आपको बताया था कि कैसा इनका बेकार परफॉर्मेंस लास्ट ईयर रहा था, रिलीज होने वाले हैं। चौथे खिलाड़ी हैं दोस्तों जॉय डेनली, जिनको रिलीज किया है, ये एक ओपनर बैट्समैन है, लास्ट ईयर सिर्फ 1 मैच खेले थे, डक पर आउट हुए थे। इनके बाद दोस्तों मैथ्यू कैली हैं, जो कि एक फास्ट बॉलर है, इनको रिलीज किया है। श्रीकांत मुंडे और निखिल नायक। बात करें दोस्तों 2 सरप्राइज रिलीज की, तो क्रिस लीन को रिलीज किया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, इनको करीब 11 करोड़ रुपए में आईपीएल 2018 में खरीदा था। इनके अलावा दोस्तों पीयूष चावला को भी जो है रिलीज किया है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने। लंबे समय से दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे पीयूष चावला, लेकिन अब यहां पर उन्हें रिलीज कर दिया गया है। तो क्रिस लीन और पीयूष चावला जो है 2 सरप्राइज रिलीज है जो कि किया है केकेआर ने, और ये दोनों भी हमें नजर आने वाले हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन में। दोस्तों बात करते हैं अगली टीम की, जहां पर हम बात करेंगे किंग्स 11 पंजाब की। तो दोस्तों किंग्स 11 पंजाब की टीम ने ट्रेड तो काफी सारे किए हैं, लेकिन रिलीज सिर्फ 4 खिलाड़ियों को किया है, लेकिन 4 बहुत ही बड़े नाम जो हैं वो रिलीज किए हैं किंग्स 11 पंजाब की टीम ने, जिनमें सबसे पहला नाम शामिल है डेविड मिलर का। लंबे समय से दोस्तों डेविड मिलर किंग्स 11 पंजाब के साथ थे, लेकिन अब उनको यहां पर रिलीज कर दिया गया है। दूसरा नाम है दोस्तों एंट्रे टाई का, हमने आपको बताया था कि ये रिलीज हो सकते हैं, आईपीएल 2018 में पर्पल कैप होल्डर थे, लेकिन 2019 का सीजन अच्छा नहीं गया था और यहां पर हो चुके हैं रिलीज। इनके बाद दोस्तों सैम करन को सरप्राइजली रिलीज कर दिया है किंग्स 11 पंजाब की टीम ने, लास्ट ईयर 7 करोड़ रुपए में खरीदा था, परफॉर्मेंस भी इनका डिसेंट था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें जो है कर दिया गया है रिलीज। तो सैम करन दोबारा से हमें ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। और चौथे खिलाड़ी हैं दोस्तों वरुण चक्रवर्ती, हमने आपको बताया था कि आर अश्विन के बाद वरुण चक्रवर्ती भी रिलीज हो सकते हैं, और वरुण चक्रवर्ती को भी यहां पर रिलीज कर दिया गया है 8 करोड़ रुपए में, इन्हें लास्ट ईयर जो है वो खरीदा था। तो इन 4 खिलाड़ियों को किंग्स 11 पंजाब ने जो है रिलीज किया था। लग रहा था कि किंग्स 11 पंजाब ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करेगी, लेकिन ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज जो है किंग्स 11 पंजाब ने नहीं किया है। बात करते हैं दोस्तों अगली टीम की, जहां पर हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने टोटल 9 खिलाड़ियों को जो है रिलीज किया है, ट्रेड भी काफी सारे किए हैं दिल्ली कैपिटल्स ने, तो हमें दिल्ली कैपिटल्स की टीम में काफी सारे चेंजेस नजर आने वाले हैं आईपीएल 2020 में। बात करते हैं दोस्तों रिलीज की, तो सबसे पहला और सबसे सरप्राइज रिलीज जो है वो है क्रिस मॉरिस का। आईपीएल 2018 में सबसे पहले रिटेन प्लेयर थे ये, लेकिन यहां पर आईपीएल 2020 से पहले इनको कर दिया गया है रिलीज, ऑक्शन में नजर आने वाले हैं क्रिस मॉरिस। इनके अलावा दोस्तों कॉलिन इंग्राम, जैसा कि हमने आपको कहा था कि रिलीज होंगे, इनको रिलीज कर दिया गया है। कॉलिन मनरो को भी रिलीज कर दिया गया है। हनुमा विहारी भी रिलीज हुए हैं, मंजोत कालरा भी रिलीज हुए हैं। इनके अलावा दोस्तों बी अयप्पा, नत्थू सिंह, जलत सक्सेना और विकेट कीपर बैट्समैन अंकुश बैंस, इन सभी को जो है रिलीज कर दिया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने। टोटल 9 खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज किया है। बड़े नाम की बात करें तो क्रिस मॉरिस यहां पर हमें सरप्राइज करता है। अगली टीम की दोस्तों बात करते हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो आरआर की
टीम ने भी दोस्तों यहां पर टोटल 11 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, 11 बड़े खिलाड़ियों को आरआर की टीम ने रिलीज किया है, जिनमें दोस्तों सबसे पहला नाम जो है वो है जयदेव उनादकट का, कंफर्म था रिलीज होंगे, इनको रिलीज कर दिया गया। इनके अलावा दोस्तों एस्टन टर्नर रिलीज हुए हैं, ये भी तय था कि रिलीज होंगे। सरप्राइज की अगर बात करें तो दोस्तों ओशन थॉमस को यहां पर रिलीज किया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत ही बढ़िया, ये फास्ट बॉलर हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिलीज कर दिया गया। इनके अलावा दोस्तों एक और सरप्राइज है इस सोडी को भी यहां पर रिलीज किया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। इनके अलावा राहुल त्रिपाठी को भी रिलीज किया है राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज करता है क्योंकि अजिंक्य रहाणे पहले ही रिलीज थे, और एक और ओपनर यहां पर राहुल त्रिपाठी को भी रिलीज कर दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। इनके अलावा दोस्तों स्टुअर्ट बिन्नी को भी रिलीज किया गया है। इनके अलावा प्रशांत चोपड़ा, लेम लिविंगस्टोन, एस मिदुन, एस रंजने और आदित्य बिरला, ये सारे खिलाड़ी भी रिलीज किए हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। लेकिन सरप्राइज की अगर बात करें तो राहुल त्रिपाठी सरप्राइज करते हैं, ओशेन थॉमस, इस सोडी जो है वो सरप्राइज करते हैं कि कैसे रिलीज कर दिया इन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। अब दोस्तों बात करते हैं अगली टीम की, जहां पर हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। तो आरसीबी की टीम ने भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा सरप्राइज किया है, और टोटल 12 खिलाड़ियों को जो है वो कर दिया है बाहर, 12 खिलाड़ियों को जो है वो कर दिया है रिलीज, जिनमें दोस्तों बड़े बड़े नामों की बात करें तो सबसे पहला नाम है मार्कस स्टोइनिस का, जिन्हें रिलीज किया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, कंफर्म था, हमने आपको बताया था कि रिलीज होने वाले हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं दोस्तों हेटमायर को भी रिलीज कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये रिटेन होंगे लेकिन इसके बावजूद इन्हें रिलीज कर दिया गया। इनके अलावा दोस्तों सरप्राइज रिलीज जो है वो है डेल स्टेन, जी हां दोस्तों डेल स्टेन को भी रिलीज कर दिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, ये भी हमें दोबारा ऑक्शन में नजर आने वाले हैं। इनके अलावा नेथन कुल्टर नायल को भी रिलीज किया है, टीम साउदी को भी रिलीज कर दिया गया है, टीम साउदी तो लगभग कंफर्म थे कि रिलीज होने वाले हैं। कॉलिन डी ग्रैंड होम जो कि इस समय अच्छे फॉर्म में है, इनको भी रिलीज किया है। हेनरी क्लासन दोस्तों पहले से ही कंफर्म थे रिलीज होंगे, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। प्रयास बर्मन जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है, इनको भी रिलीज किया है यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। और अक्षदीप नाथ को भी जो है वो कर दिया है रिलीज। इनके अलावा दोस्तों हिम्मत सिंह, कुलवंत खजरोलिया और मिलिंद कुमार, ये हैं टोटल 12 खिलाड़ी जिन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने रिलीज किया है। लेकिन सरप्राइज की अगर बात करें तो डेल स्टेन को रिलीज करना काफी ज्यादा सरप्राइज करता है। हेटमायर भी लग रहा था कि कुछ परसेंट रिटेन हो सकते हैं, उन्हें भी रिलीज कर दिया गया। नेथन कुल्टर नायल भी रिटेन हो सकते थे, ये भी रिलीज हुए हैं। तो काफी ज्यादा सरप्राइज रिलीज जो है वो किए हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने। और आपको बता दें कि सिर्फ 2 फॉरनर प्लेयरों को रिटेन किया है आरसीबी की टीम ने, बाकी सभी फॉरनर प्लेयरों को जो है वो कर दिया है रिलीज। यानी कि आईपीएल 2020 के ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है वो काफी ज्यादा एक्टिव हमें नजर आने वाली है। ये बात हुई दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग की। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग ने कल ही बता दिया था कि वो 5 खिलाड़ियों को रिलीज करने वाले हैं। सरप्राइज यहां पर होता है कि यहां पर मुरली विजय को जो है एक और बार रिटेन किया गया है। जी हां दोस्तों, मुरली विजय एक और बार रिटेन है, उन्हें रिलीज नहीं किया गया है। रिलीज प्लेयरों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम है मोहित शर्मा का, 5 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा था, पहले ही पता था कि ये रिलीज होंगे, ये रिलीज हो चुके हैं। सैम बिलिंग्स यहां पर रिलीज हुए हैं, ये भी पहले ही पता चल गया था कि सैम बिलिंग्स रिलीज होने वाले हैं। इनके अलावा दोस्तों डेविड विली को भी रिलीज किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। बाकी 2 प्लेयरों की बात करें तो ध्रुव शौर्य जो कि एक ओपनर बैट्समैन थे, इनको रिलीज किया गया है, और चैतन्य बिश्नोई को भी जो है रिलीज कर दिया है चेन्नई सुपर किंग की टीम ने। तो इन 5 खिलाड़ियों को चेन्नई सुपर किंग की टीम ने रिलीज किया है, और चेन्नई सुपर किंग ने अपना पर्स भी बता दिया है। टोटल यहां पर 14.6 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग के पर्स में बन चुके हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन के लिए। और दोस्तों एंड में हम बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। तो हैदराबाद की टीम ने भी दोस्तों 5 खिलाड़ियों को जो है रिलीज किया है, 5 बड़े नाम बाहर किए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है शाकिब अल हसन का, क्योंकि इनके ऊपर बैन लग गया है, इनका कंफर्म था कि ये रिलीज होने वाले हैं, तो इनको रिलीज कर दिया गया है। दूसरे खिलाड़ी हैं दोस्तों यूसुफ पठान भी लगभग कंफर्म थे, हमने आपको बताया था। तीसरे खिलाड़ी हैं दोस्तों दीपक हुडा भी लास्ट 2 ईयर से काफी फ्लॉप रहे हैं, तो इनको भी रिलीज किया है। मार्टिन गप्टिल को भी यहां पर रिलीज किया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने, और रिक्की भुई को भी जो है वो कर दिया है रिलीज। तो कोई भी सरप्राइज रिलीज नहीं कह सकती कि सनराइजर्स हैदराबाद ने किए हैं, पहले से ही जो है प्रेडिक्शन किया जा सकता था इन प्लेयर्स का। वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम ने भी जो है वो कोई सरप्राइज चेंजेस जो है वो नहीं किए हैं, सरप्राइज रिलीज
रिलीज जो है वो नहीं किए हैं। दोस्तों आठों टीमों की हमने बात करी, आठों टीमों की टोटल 61 प्लेयर्स की जो है वो बात करी जो कि यहाँ पर रिलीज हुए हैं आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले। कई टीमों ने यहाँ पर सरप्राइज रिलीज किए हैं, वहीं कई टीमों ने ऐसे खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया जो कि लग रहा था कि कंफर्म रिलीज होने वाले हैं, जैसे कि मुंबई इंडियंस ने रसिक सलाम को जो है वो किया है रिटेन। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ने सबसे अच्छा फैसला लिया है, सबसे बढ़िया प्लेयर जो है वो रिलीज किए यानी कि सबसे बेकार प्लेयर रिलीज किए हैं, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।